same road back into town. Talking on the phone with you. Who knows what we should do? Cause when we try to do things right, it always ends up with a fight. It's really messing with my head. Too bad, my friend, she said. But I'm tortured. Drop dead for me. Won't you just drop dead? Drop dead for me. I think I'd like that instead. कि जब हम स्टार्ट लेते हैं तब हम वो फोकस करते हैं कि वो स्टीवी रे वॉन टाइप का साउंड बनाना है, एकदम वो फेंडर वाला क्लासिक सा साउंड बनाना है. और हम जब फेंडर खरीद के ले आते हैं, हम अपने एम्पलीफायर में प्लग इन करते हैं और हमारा वो साउंड ही नहीं आता है, तो हम बड़े डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मेरे फेंडर का वो क्लासिक सा साउंड नहीं आता. अब मैं किस क्लासिक से साउंड की बात करता हूँ, दिखाओ क्या. साउंड की बात कर रहा था. हम सब फेंडर खरीदते हैं यही सपना देख के कि भाई ऐसा सा कुछ एक क्लासिक सा साउंड चाहिए, और हम फिर ढेर सारे पेडल्स खरीदना चालू होते हैं, ये ओवरड्राइव, ये प्रीएम्प, कि भाई वो साउंड नहीं आ रहा, मेरे एम्प से वो साउंड नहीं निकलता. मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पेडल है, दिस इज टेक्सन ट्वैंग फ्रॉम पेडल पॉन. ये एक यूके की कंपनी है, बेस्ड इन लंडन आई गेस, एंड इन्होंने ये हैंडमेड बुटीक पेडल्स बनाए. सच में ये हाथ से बनते हैं. मैंने जब इसको यूज़ किया तो मैंने इन लोगों को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, मैंने कहा भाई बनाया कैसे, ये इतना फाड़ू है. अब ये किस टाइप का पेडल है, बहुत सारे टाइप के पेडल्स होते हैं. सो दिस इज़ एक ओवर ड्राइव प्रीएम्प है, ओवर ड्राइव स्लैश प्रीएम्प. ओवर ड्राइव क्या करता है, जब कि गिटार के साउंड को हल्का सा फाड़ देता है, वो डिस्टॉर्ट नहीं कर देता एकदम, जो डिस्टॉर्शन करता है. ओवर ड्राइव हल्का सा उसको खोल देता है. नाउ प्रीएम्प क्या होता है, प्रीएम्प आपके एम्प से पहले का स्टेज होता है, गेन स्टेजिंग जो होती है. तो इसमें ये इतना सिंपल पेडल है, इसमें जो ये तीन सेटिंग्स हैं, हाई, मिड और लो. इसको मैं, मुझे जो एक स्वीट स्पॉट दिखा वो मिड में दिखा, और जो लेवल है वो कुछ भी रख लो अपने हिसाब से, वो साउंड के हिसाब से. मैं उसको अराउंड ये 3 o'clock 2 o'clock रखता हूँ, और इतना फाड़ू साउंड निकलता है. इवन आई रिमेंबर जब मैंने ब्रायन एडम्स का कॉन्सर्ट देखा था, जब ब्रायन एडम्स इंडिया आए हुए थे, तो उनके बैंड के जो लीड सिंगर है कीथ स्कॉट, उनके गिटार का साउंड इतना प्यारा था, इतना फाड़ू फेंडर का उनका टोन था. Hi everybody, it's Keith Scott from Brian Adams. भाई उनका क्लासिक सा फेंडर अमेरिकन स्टार्टोकास्टर, 1.5-2 लाख रुपए का गिटार, उसको उन्होंने 4, 5, 6, 7 पेडल्स में डाला. It's 1963. Okay. It's mostly original, save I refretted it at the time. It's basically stock. We use the dip delays, the DDLs, the DD1s, the we use the बढ़िया सा पीछे एम्प रखा है तो वो जो साउंड मिल रहा था. तो मुझे ना हमेशा से था कि मुझे एक ऐसा साउंड बनाना है. सो वो शो देख के जब मैं घर आया था, मेरे दिमाग में था भाई मुझे ऐसा सा टोन बनाना है. और ब्रायन एडम्स का भी जो फेंडर का टोन था जब वो इट्स ओनली लव परफॉर्म कर रहे थे, एग्जैक्टली ये टोन था. अब आप वो बाइट देख रहे हो, वो क्या बाइट आ रही है गिटार में, वो केवल इस पेडल से आ रही है. मैंने इस पेडल में गिटार अपना डाला है और इस पेडल का आउट एक एम्पलीफायर पे लिया है. बड़ा मेरे पास तो रियल एम्प भी नहीं है, रियल ट्यूब एम्प भी नहीं है, मैंने नकली ट्यूब एम्प में डाला हुआ है इसको. ठीक है, जो एम्यूलेटर्स होते हैं सॉफ्टवेयर वाले, वो आप विंडोज मैक किसी में भी डाल सकते हो. सो केवल इस ओवर ड्राइव की बदौलत ये साउंड निकल रहा है. नाउ मतलब पर्सनली स्पीकिंग, मैं जिन प्लेयर्स के लिए परफॉर्म करता हूँ, कुछ बॉलीवुड सिंगर्स हैं जिनके लिए मैं गिटार्स प्ले करता हूँ,
मैं अभी वही सोच रहा था कि जब कोविड खत्म हो जाएगा और ये टूरिंग चालू हो जाएगी, जब शोज चालू हो जाएंगे, बस मेरे पेडल बोर्ड में अगर मुझे ये पेडल भी केवल दे दिया जाए ना, मुझे बोला जाए कि तुम्हें जाके कम से कम 5-6-7-8 शोज बजा के आने, मैं कर लूँगा। मुझे बस ये पेडल चाहिए, अब ये अब मेरी मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। दी ऑक्सीजन यू ब्रीद, द वॉटर यू ड्रिंक, है ना, वो जो मूलभूत आवश्यकता नहीं होती है, रोटी कपड़ा मकान और लड़की, सॉरी रोटी कपड़ा मकान, तो बिल्कुल वो आवश्यकता अभी मेरी बन चुकी है। मतलब इतना ज़बरदस्त पैडल कोई कैसे बना सकता है, एक छोटा सा बॉक्स इतना ज़बरदस्त तरीके से कोई कैसे बना सकता है, ये तो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया है। सो बहुत ही फाड़ू चीज़ है, एक बार थोड़ा सा और बजा के देखते हैं ना। अगर एक आपको अच्छा सा ड्राइव भी चाहिए ना, वो भी ये पेडल देगा। अब इन पेडल्स के साथ अच्छी बात ये होती है, जितना ये महंगे वाले पेडल्स होते हैं ना, इनके साथ एक अच्छी बात ये होती है कि आप वॉल्यूम के हिसाब से इनको ड्राइव कर सकते हो। वॉल्यूम कम किया, वॉल्यूम खोला, फुल, मैं आपको एक भारतीय वाली बातें बताता हूँ, बीइंग एन इंडियन, कि ये 50,000 का गिटार है, ये पेडल लगा के, ये बिल्कुल प्रीमियम जो अमेरिकन स्ट्राटोकास्टर्स आते हैं ना, जो रेलिक वाले स्ट्राट्स आते हैं, 4.5-5 लाख के, स्टीवी रे वॉन का सिग्नेचर गिटार ही 5 लाख रुपए का है। सो स्टीवी रे वॉन का वो टोन पाने के लिए उनके जो पिकअप्स लगे हैं, उनका जो ये गिटार में जो वुड्स यूज हुआ है, इन सब चीज़ों से मिला के ही वो साउंड बन पाता है। सो अगर 50,000 के गिटार के ऊपर मैं ये 15-20,000 रुपए का पेडल लगा के वो साउंड बना ले रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से ये विक्ट्री है। क्या सोचते हैं आप लोग, नीचे कॉमेंट्स में प्लीज़ बताना मेरे को। सो अगर आपके पास कोई भी स्ट्राट, ज़रूरी नहीं है मैक्सिकन हो या कोई भी हो, स्क्वायर भी चलेगा, वो जो 10,000 रुपये वाला स्ट्राट आता है ना, वो बुलेट स्ट्राट करके जो आता है, उसमें भी अगर आप ये पेडल डालो और इसको एम्प पे लगाओ, तो आपको वो क्लासिक फेंडर वाला साउंड मिलेगा और आपको वो फील आएगा कि आप एक अमेरिकन स्ट्राटोकास्टर प्ले कर रहे हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो ये प्रोडक्ट है ये इंडिया में मिलता ही नहीं है, ये केवल यूके में मिलता है, बट मैंने ये जहाँ से लिया है, मैं उसका डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिख दूंगा, अगर आपको भी लेना हो तो आप उनसे ख़रीद सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो, इसको फ्लॉन्ट कर सकते हो, बहुत ही फाड़ू चीज़ है। सो मुझे लगा मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, एंड वीडियो में शुरू में जो मेरे अंदर के फिल्म मेकर ने जन्म लेके जो शुरू में 1.5-2 मिनट मैंने आपको दिखाया है, अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगी और आप चाहते हो मैं और भी वीडियोस में अपने अंदर के फिल्म मेकर को जगाऊं और ऐसे कुछ चीज़ें करूं, सो प्लीज़ मुझे कमेंट से बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत मोटिवेट होऊंगा। और बाहर हो रहा है कोविड, सो प्लीज़ मास्क पहन के रहिए, बाहर जाओ तो प्लीज़ बहुत सावधान रहो, बहुत क्राउडेड एरिया से मत जाओ, और अपना अपना ख्याल रखो, लाइक करना हो करो, सब्सक्राइब करना हो करो, बट इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखा हो तो उसको प्रैक्टिस करना, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, वो मेरे लिए एक विक्ट्री होगी। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय।